सॉर्टेड समझो। कैशलेस होते भारत में ऑनलाइन पेमेंट भुगतान का एक बड़ा जरिया बन गया है। पेटीएम पर 40 रुपए प्राप्त हुए, पर इसके साथ ही ऑनलाइन ठगों को भी एक मौका मिल गया है। जी हाँ, देश में QR कोड के जरिए ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। इस तरह के ज्यादातर फ्रॉड्स ई कॉमर्स और पुराना सामान बेचने वाली वेबसाइट्स जैसे OLX और eBay पर देखने को मिलते हैं। इस पे सामान खरीदने के लिए व्यक्ति आपको एक कॉल करता है, इसके बाद खुद पर यकीन दिलाने के लिए वो कभी 100 तो कभी 500 रुपए भी एडवांस ही भेज देता है। फिर बड़ा पेमेंट QR कोड के जरिए भेजने की बात कहकर वो आपको एक कोड भेजकर स्कैन करने के लिए कहता है। अपने पुराने सामान को बेचने की जल्दी में आप तुरंत उस कोड को स्कैन कर लेते हैं और बस पैसा आपके अकाउंट से कट कर सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है और इस तरह आप साइबर अटैक का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है जिसमें उपयोगकर्ताओं को QR कोड साइबर अपराधियों द्वारा भेजा जाता है और बहुत छोटी राशि आपको पहले भेजते हैं, जिससे आपको विश्वास दिलाया जाता है कि आप जो है ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो सही होने वाला है। और उसके बाद इस तरह के QR कोड या रिवर्स रिक्वेस्ट UPI ट्रांजेक्शन की आपसे आपके पास आती है और आप उसमें अपना पिन डाल करके उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके पहले उसमें जो निर्देश आता हुआ है उसको आप बिना पढ़े इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके कारण ही आपके अकाउंट से इस तरह का ट्रांजेक्शन हो पाता है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि QR कोड को स्कैन करने से पहले पढ़ा नहीं जा सकता, ये स्कैन होने के बाद ही अपनी पहचान रिवील करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे मामले अब WhatsApp, Facebook और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हो रहे हैं। इसमें QR कोड के जरिए आपके फोन को हैक कर लिया जाता है और उसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी जाती है जिससे आपके बैंक अकाउंट से लेकर OTP तक की सारी जानकारियां सामने वाले तक पहुंच जाती हैं और वो ट्रांजैक्शन कर पैसा निकाल लेता है। अब समझते हैं कि इस फ्रॉड से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो किसी भी नए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। लेन-देन करने से पहले सारी जानकारी कंफर्म करें। अपना OTP या फिर UPI पासवर्ड पेमेंट लेने के लिए कभी ना डालें, ये सिर्फ पेमेंट करते समय काम आता है। अनजान लोगों से लेन-देन अच्छी तरह छानबीन करें।